नमस्कार, सिटी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नैंसी काम्बोज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। पूरे देश में नगर निगम व नगर पालिका के 32,000 कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर। मौसम बदलते ही जिले में डेंगू ने दी दस्तक। जिले में डेंगू के 3 मामले आए सामने। 8वीं की छात्रा के साथ स्कूल टीचर द्वारा छेड़छाड़ का मामला आया सामने। कुछ घंटों की बरसात से जिले के मुख्य चौकों पर हुआ जल भराव। यमुनानगर के हमीदा घड़ी रोड पर स्थित सक्षम ज्वेलर्स पर आई 2 महिलाओं ने सोने पर किया हादसा। अब गतिविधियां विस्तार से। पूरे देश में नगर निगम व नगर पालिका के 32,000 कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर। कर्मचारियों का आरोप, प्रदेश सरकार ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का किया था वादा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर 3 दिन के अंदर मांगों को नहीं माना तो कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश भर के नगर निगम व नगर पालिकाओं के 32,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यमुनानगर में कर्मचारियों ने अलग अलग इलाकों में सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन किया। निगम व नगर पालिकाओं के बाहर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि भाजपा ने 2014 में सत्ता में आने से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया। हालांकि कई बार प्रदेश के मंत्री व अधिकारी कर्मचारी संगठनों से बातचीत में इस मांग को उचित ठहरा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इस 3 दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। सर, मेरा नाम प्रवेश प्रोत्या, मैं संदीप नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला यमुनानगर। तो ये जो आज हम हड़ताल कर रहे हैं, वर्ष 2014 के अंदर सरकार ने जो हमारे साथ ये अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा था कि हमें सत्ता के अंदर, हम सत्ता के अंदर आएंगे तो पहली कलम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के उपरांत सरकार जो है जो वादे करती है उनसे सरकार पूरे तौर पर मुकर जाती है। कई दौर की बात राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई 11 जुलाई 2017 को, 20 जून 2018 को और 24 मई 2018, 4 अक्टूबर 2018 को सरकार के और प्रतिनिधि संघ के साथ संघ के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान जो राज्य जो सरकार का जो मंत्रिमंडल था उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तमाम मांगे जो है वो जायज़ हैं और 30 दिन का समय लेकर के सरकार ने उस कर्मचारियों की तमाम मांगों को अनदेखा कर दिया। ते हुए सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में उल्टा हरियाणा के तमाम पालिका परिषदों और निगमों के कर्मचारी इन्होंने पहले उल्टे झाड़ू का प्रदर्शन किया, उसके बाद 1 दिवसीय पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल की और 2 दिन की कर्मिक भूख हड़ताल की। फिर भी सरकार ने जो अपने वादे से, फिर भी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। आज मजबूरी बनी है कि तमाम हरियाणा प्रदेश निगमों पालिकाओं और परिषदों का जो 32,000 कर्मचारी, तमाम कर्मचारी कच्चा पक्का कर्मचारी जो है वो हड़ताल के ऊपर है और ये 3 दिन की हड़ताल दी गई है। यदि इन 3 दिन के अंदर प्रदेश की सरकार राज्य प्रतिनिधिमंडल को बुला करके बातचीत करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो इस 3 दिन की हड़ताल को जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल दिया जाएगा। यमुनानगर से 376 कर्मचारी जो है वो आज स्ट्राइक के ऊपर है। दमकल के अंदर के जो कर्मचारी है जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं वो भी साथी आज सैकड़ों की तादाद में जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हैं, जबकि उनकी भी ये मांग थी कि फायर के अंदर जो लगे हुए चालक परिचालक और इनको इनकी भर्ती रद्द करके जो इनकी भर्ती रद्द करके तो इनको निगम के रोल पे दिया जाए, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की किसी भी मांग को आज तक जो वादा किया कर्मचारियों के साथ वो आज तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। अगला कदम यदि 3 दिन के अंदर सरकार संघ के साथ बातचीत करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करती है तो ठीक है, अन्यथा इसी 3 दिन की स्ट्राइक को अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर भी बदल दिया जा सकता है।
मौसम बदलते ही जिले में डेंगू ने दी दस्तक। जिले में डेंगू के 3 मामले आए सामने। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। मौसम बदलते ही डेंगू की शुरुआत हो चुकी है। यमुनानगर में अब तक 3 डेंगू के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने जहां इसके लिए ट्रामा सेंटर में पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू से प्रभावित मरीज आने लगे हैं। यमुनानगर की मॉडल कॉलोनी में एक व्यक्ति को 3 दिन पहले बुखार आया था, जिसे आज चेक करने पर डेंगू का पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति एक निजी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि मौसम बदलने के बाद यह उम्मीद होती है कि पानी कई जगह खड़ा होता है और खड़े पानी में मच्छर पनपते हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का डेंगू का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें इसके प्लेटलेट्स 25,000 हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20,000 से कम होने पर ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए लोगों को भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और पूरे कपड़े डालकर रखने चाहिए। आपके पास डेंगू के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और जो डेंगू का मच्छर है ये खड़े हुए पानी के ऊपर पनपता है। तो अभी जैसे आपको पता है कि बरसात बड़ी हैवी बरसात हुई है हमारे भी, और जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि उम्मीद ही थी कि डेंगू जो है वो आएगा। तो आज हमारे पास पहला केस आया है, उसको 3 दिन पहले बुखार हुआ था और आज उसके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो 25,000 के करीब थे। तो जब हमने उसको टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो क्योंकि ये पेशेंट अभी थोड़ी देर पहले ही आया, तो हमें अभी इन्फॉर्मेशन भेज दी है ये सिविल हॉस्पिटल को। तो डेंगू से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय ये है कि आप मच्छर के काटने से बचाइए अपने आप को, और इसका मतलब है कि आप फुल स्लीव्स पहनिए, शॉर्ट्स मत पहनिए। ख़ास तौर पर सुबह जो सैर करने जाते हैं लोग, उनको खास ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जगह जगह पानी मत इकट्ठा होने दें। ये पानी इकट्ठा होता है, जैसे हमारे गमले पड़े होते हैं, जैसे ये खाली टायर पड़े होते हैं, कूलर का पानी होता है, वहाँ बिल्कुल पानी ना खड़ा होने दें। अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ कोई पानी खड़ा है और हम उसको नहीं रोक सकते, तो उसके ऊपर तेल डाल दें। तो एक उसका तरीका है कि जो हमारे कारों या स्कूटरों का वेस्ट ऑयल होता है, उसको चेंज करते हैं, जो ऑयल वेस्ट होता है, तो वो उस पानी के ऊपर डाला जा सकता है ताकि उसके ऊपर मच्छर ना पड़ सके। और आमतौर पर 90% केसेस में डेंगू का कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं होती। प्लेटलेट डाउन जाते हैं और फिर अपने आप कुछ दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। बहुत कम केसेस में प्लेटलेट इतने डाउन जाते हैं कि हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। और इस बीमारी में प्लेटलेट के अलावा और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है। वो जैसे जैसे लक्षण आते हैं हम वैसे वैसे उसका इलाज करते हैं। खाने पीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, थोड़ा ज़रूरी है। और ये हेल्थ अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कमेटी वगैरह ये करवाते भी हैं फॉगिंग, और बिल्कुल एक बार डेंगू की अगर खबर आ जाती है तो ये फॉगिंग शुरू भी हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है मच्छरों को खत्म करने के लिए, मुझे बाकी हॉस्पिटल का मालूम नहीं है। तो सर ये इंजेक्शन सारे आम बुखार की तरह होते हैं, आम बुखार की तरह बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है। और इसका पता तभी चलता है जब हम डेंगू का टेस्ट करवाते हैं। तो अब जब हमें पता लग गया है कि शहर में डेंगू आ गया है, तो हर बुखार के केस में ये डेंगू का टेस्ट करवाना जो है ज़रूरी हो गया है। प्लेटलेट जो है वो आमतौर पर 3rd-4th दिन के बाद फॉल करना शुरू करते हैं। तो अगर उससे पहले अगर प्लेटलेट नॉर्मल भी आते हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि डेंगू नहीं हो सकता। तो नॉर्मल 1.5 से 4.5 लाख तक होते हैं, और लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें तकरीबन 20 लाख तक कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, 20,000 तक। तो अगर 20,000 से ऊपर प्लेटलेट का फिगर करने की ज़रूरत नहीं, उसके अगर कम हो तो फिर ब्लीडिंग का चांस हो जाता है, और 10,000 तो बिल्कुल खतरे का निशान है। तो हम वहाँ तक प्लेटलेट नहीं पहुँचने देते। 8वीं की छात्रा के साथ स्कूल टीचर द्वारा छेड़छाड़ का मामला आया सामने। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा, प्रिंसिपल की जमकर पिटाई। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। जगाधरी के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में 8वीं की छात्रा से टीचर द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टीचर छेड़छाड़ मामले में प्रिंसिपल से बात करने पहुंचे थे अभिभावक। टीचर वहां नहीं मिला तो प्रिंसिपल पर फूटा गुस्सा। स्कूल में घुसकर परिजनों ने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई और हंगामा। खून से लथपथ महिला प्रिंसिपल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को किया शांत। वहीं पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी टीचर के खिलाफ पॉस्को और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। जगाधरी रामनगर के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के टीचर प्रदीप पर 14 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि प्रिंसिपल हरविंदर कौर को इस बारे में बताया गया तो उसने टीचर का ही पक्ष लिया और उसे स्कूल से भी बाहर भेज दिया। परिजनों को पता लगा तो वह स्कूल में पहुंच गए, जमकर हंगामा हुआ।
गुस्साए परिजनों ने प्रिंसिपल पर भी हमला बोल दिया, कुर्सी उन पर फेंक कर मारी जिससे उनके सिर में चोट लग गई, वह लहूलुहान हो गई। वहीं छात्रा ने बताया कि उसके साथ स्कूल के ही मैथ टीचर ने छेड़छाड़ की है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि टीचर प्रदीप उस पर करीब 3 माह से गलत निगाह रख रहा था। सोमवार को टीचर ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस बारे में वह शिकायत लेकर प्रिंसिपल हरविंदर कौर के पास पहुंची तो उसने बात नहीं सुनी, उल्टा टीचर का ही पक्ष लिया, यहां तक कि इस बारे में परिजनों को बताने से भी इनकार कर दिया। उसे धमकी देकर टीचर को भी वहां से निकाल दिया। गुस्साए परिजन स्कूल में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की। इसी बीच अभिभावकों ने प्रिंसिपल से मारपीट शुरू कर दी। सर आए मेरे पास, मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे बाल ना मेरे मुंह में डाल दिए, पहले सिल्क के बाल बड़े और मेरी शर्ट के बटन खोल दिए। फिर मैं बड़ी मैम के पास गई, पता नहीं बड़ी मैम ने मेरे को बाल ले जाके थप्पड़ मारा और सर ने मारा, कह रहे कि घर बताए ना तो हम मारेंगे। क्या पढ़ाते हैं सर? मैथ पढ़ाते हैं। क्या नाम है उनका? प्रदीप सर। कौन सी? भारतीय विद्या। कौन सी क्लास में हुआ? 8th। फिर आपने पेरेंट्स को बताया जाके? हाँ, मैंने पापा को बताया, पापा को लग गया और मैडम पापा के साथ मार रहा और पिटा दी और मैडम अंदर नहीं बढ़ने दे रही थी पापा को। मैडम कौन से पद पे हैं? हाँ जी मैडम, प्रिंसिपल हैं या कोई? हाँ जी प्रिंसिपल थे जी। उसके घर वाले में बैठा था तो बस कह रही चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई बैठ सकता? घर वाले ने थप्पड़ मारा, कह रहा चुप हो जाओ, कह रहा घर नहीं जा, हां ना कह रहा मट्टी पाते हैं बाप से, मट्टी पाते हैं का बाद में। फिर मैं इसको लेके चली गई, इसके पापा सारे ये सारे पीछे पीछे थे जी। मैं कह चली मैं बात कर लूँगी, कोई नहीं, मगर लड़की का मामला है, माँ को तो होता ही है जी, इस चीज़ को तो आप भी सब समझ सकते हैं जी। मैंने फिर इसको मैं अंदर ले जाने लगी, मैंने ऐसे दरवाजा करा, मैडम गिरी खबर जा खबर अंदर आई तो ऐसे करने लगी जी मेरे को, कोई हाँ ऐसे हाथ पाड़, मैंने भी ऐसे धक्का दे दिया भाई, आप मेरी कम से कम मेरी बेटी के बारे में बात तो सुनो जी, ये रोती कर गई जी, इसका टिफिन भी रोटी कैसे पड़ा सवेरे कैसे ने कुछ खान रखा, इसकी बात तो सुनो जी, बस बात तो सुनी, मैंने भी फिर ऐसे धक्का दे दिया अंदर सुना रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, सर ने उसे स्लैप लगा दिया, बोली मुझे छेड़ा है, मुझे बहुत बार छेड़ चुके हैं सर। मैंने उसके भाई से भी पूछा कि बेटे आप भी पढ़ते हो यहाँ पे, आपकी क्लास में सर ने किसी और टीचर और बच्चों के साथ बदतमीजी की है? बोला किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। तो आपको ये पीटा किसने? ये इन्हीं लोगों ने पीटा है, ये जो आए थे यहाँ पे बच्चे, इन्होंने बहुत बुरी तरह से बाल पकड़ के और मेरे सिर पे जितनी बुरी तरह से चोट मारी है और मेरी चप्पलें उधर बिखरी पड़ी हैं, जबकि ये आईटीआई का सेक्शन है। छुट्टी होने के बाद मैं यहाँ आके बैठ गई थी डिस्कशन करने के लिए और इन लोगों ने यहीं पे ही हंगामा कर दिया और सर को भी इतनी तोड़ फोड़ की है, मेरा ये नुकसान है पूरा। आप आए हैं, आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ है, आप बैठ के बात तो कीजिए क्वेश्चन सुना रही थी, नहीं प्रॉपरली सुना पाई तो उसके एवज में सर ने जो है थोड़ा लगाया और वो कहने लगे मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे जो है ये कर दिया और वो रोना शुरू कर दिया। मैंने जो है उससे बातचीत की, बोले कि बात हुई, मैंने कहा चलो मैंने सर से बात की, सर कहने लगे मैंने मारा जरूरी था थोड़ा जैसे बच्चे को हिला देते वैसे हिलाया, तो कहने लगे नहीं जी मेरे साथ बदतमीजी हुई है, इन्होंने तो बहुत बार पहले, अगर पहले भी बदतमीजी हुई है तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी जब मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, तो उन्होंने कंप्लेंट आज ही की है मेरे से। मैं सुबह से पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट कर रही थी, मैंने बच्चे को स्पेशली घर भेजा कि आप अपनी मदर को बुला के लेके आओ, कहने लगा मेरी मदर नहीं आ रही है अभी, वो कल सुबह ही आएगी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसे बुलाया, फिर दोबारा से मैं उसको कब से ट्राई कर रही हूँ, आप मेरा कॉल चेक कर सकते हो, जो मेरे पास नंबर अवेलेबल है उस पर मैं बार बार कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, इतने में ये लोग आते हैं और यहाँ आके शोर करना शुरू कर देते हैं और मार पिटाई शुरू कर दी और गाली गलौज कर रहे हैं, तुम ऐसे हो माँ बहनों की तुम्हारी जो है, हम लोग ऐसे उससे प्रोफेशन से थोड़े ही हैं। वहीं स्कूल में हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर
जगाधरी शहर थाना प्रभारी मनोज कुमार व महिला थाना प्रभारी सीमा सिंह पुलिस के साथ स्कूल में पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने लेकर गए। डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद पुलिस के साथ स्कूल में पहुंचे। यहां पर छात्रा के परिजनों ने शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ SC ST व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजन प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर घायल प्रिंसिपल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। डीएसपी का कहना है कि अभी प्रिंसिपल की शिकायत नहीं आई है, यदि शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। स्कूल की गुड़िया है, उसके पेरेंट्स ने हमें कंप्लेंट दी है भी हमारी गुड़िया के साथ स्कूल में टीचर ने छेड़खानी की है और उसको पीटा है। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर। तो हाँ, ये भी पता लगे प्रिंसिपल की भी उन्होंने आई है, लेकिन प्रिंसिपल की अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। पता लगे अभी ऐसे ऐसे अगर प्रिंसिपल कोई कंप्लेंट देगी जो भी होगा तफ्तीश में देखा जाएगा। SC ST एक्ट पोस्ट एक्ट। सर अध्यापक कहाँ? अध्यापक अभी फरार है। कुछ घंटों की बरसात से जिले के मुख्य चौकों पर हुआ जल भराव, सड़कों पर 3-3 फुट तक भरा पानी, नगर निगम के दावों की खुली पोल। सुबह से हो रही बरसात से जहां एक तरफ लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ यह बरसात लोगों के लिए समस्या लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चलती दिखाई दी। लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम से लगभग 400 मीटर की दूरी पर जल भराव होने से नगर निगम द्वारा किए गए दावों की भी पोल खुल गई। सुबह से हो रही बरसात से शहर के मुख्य चौकों व सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर 3-3 फुट गहरे गड्ढे हो गए और सुबह से कई लोग गिर चुके हैं। जल भराव होने के कारण पता ही नहीं लग पा रहा कि गड्ढे कहाँ हैं। ऐसे में लोगों ने प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों ने आखिरकार खुद ही लक्कड़ की सीढ़ी लगाकर रास्ता बंद किया ताकि लोगों को पता चल सके कि गड्ढे कहाँ हैं। समस्या से जूझ रहे लोगों ने कहा कि सुबह से बरसात हो रही है, इतना पानी इकट्ठा होने के कारण हम अपनी दुकान भी नहीं खोल पा रहे हैं। अगर दुकान खोलते हैं तो पानी दुकान में चला जाएगा और दुकान में पड़े सामान को भी खराब कर देगा। पीछे जब बारिश हुई थी तब भी पानी भर गया था और अब भी वही हाल है। हम सुबह से लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आया। ये वर्कशॉप रोड पे हमारी शॉप है और यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि थोड़ी सी देर की बारिश से पानी ही पानी हो गया है। एक घंटे की बारिश से इतना बुरा हाल है, अगर सोचे सारा दिन हो तो क्या हाल होगा। पिछले रविवार जिस दिन खट्टर साहब CM साहब ने आना था तब भी यही हालत थी और आज भी यही हाल है। इस वजह से ये समय हो गया, हम अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। दुकानें ना खोलने का कारण ये है कि हमारी दुकानों में पानी जा रहा है, जिससे हमारे माल का नुकसान है। अब प्रशासन यहाँ फेल है या हम फेल हैं हमें ये नहीं पता। आगे प्रशासन देखे, हमारे मेयर साहब देखें, विधायक साहब देखें, तो पता लगे कि यहाँ कितना भारी नुकसान है। इधर रोड पे यहाँ सामने राज पेंटर के सामने इतने बड़े खड्डे हैं कि सुबह से 3 से 4 व्हीकल गिर चुके हैं, जिन्हें हम खुद संभाल रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि यहाँ से बच के चलें। हम अपना काम धाम छोड़ के सड़कों पर लोगों को बचा रहे हैं। बताइए हम क्या करें, इसमें प्रशासन जिम्मेवार है या हम जिम्मेवार हैं? आएँ और देखें। पिछले एक घंटे की बरसात से इतना बुरा हाल हुआ है, पानी हो रहा है, पूरा बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे। ऐसे ही पिछले हफ्ते हुआ था, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते पूरे शहर में पानी था, तो वही हालात अब फिर आ चुके हैं हमारे यहाँ पे सामने। पिछले हफ्ते तो खड्डे इतने ज़्यादा थे कि हमने अपने बाइकें लगा के, अपना व्हीकल लगा के यहाँ लोगों को बचाया है और अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे कितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ। दुकानों के अंदर पानी गया हुआ, हमारी दुकानें नहीं खोल पा रही हैं। पिछली बार भी पिछले हफ्ते बहुत नुकसान हुआ है और हफ्ते बहुत नुकसान हो चुका है। दुकान में पानी तो प्रशासन को देखना चाहिए, नाले जाम है या पानी की निकासी नहीं है, यही पे पानी इकट्ठा होता है पूरे शहर का। पूरे शहर में इससे कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको, जितना पानी यहाँ मिलेगा। यमुनानगर के हमीदागढ़ी रोड पर स्थित सक्षम ज्वेलर्स पर आई दो महिलाओं ने सोने पर किया हाथ साफ। चोरी की वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में हुई कैद, पुलिस ने CCTV को कब्जे में लेकर की जांच शुरू। यमुनानगर में सक्रिय महिला चोर गिरोह ज्वेलर्स को बनाती है निशाना, बातों में उलझा कर कर देती है सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ। इस बार CCTV कैमरे में हुई कैद। मामला यमुनानगर के हमीदा रोड स्थित सक्षम ज्वेलर्स का है, जहां दो महिलाएं ज्वेलरी खरीदने आई और ज्वेलर सेलेक्ट कर उसे 2 दिन बाद आने की बात कहकर ज्वेलर को 500 रुपये एडवांस देकर चली गई। 4-5 दिन बीत जाने पर भी जब महिलाएं नहीं आईं तो ज्वेलर ने सोने की ज्वेलरी चेक की तो उसमें से 95,000 के करीब की ज्वेलरी गायब थी। ज्वेलर्स ने
सीसीटीवी देख पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगर आप भी सोने चांदी से जुड़ा व्यापार करते हैं या आप ज्वेलर हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों महिलाओं का एक गिरोह घूम रहा है जो ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाता है। पहले तो यह महिलाएं आपकी दुकान पर आकर सोने की ज्वेलरी देखती हैं, वह ज्वेलरी दो चार दिन बाद ले जाने की बात कहकर 500 रुपये एडवांस देकर चली जाती हैं और आपको बातों में उलझा कर आपकी दुकान से ज्वेलरी लेकर फरार हो जाती हैं, और आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी, जैसे कि घड़ी रोड स्थित सक्षम ज्वेलर्स पर हुआ है। सीसीटीवी में जो फुटेज ये दिखाई दे रही है, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सक्षम ज्वेलर की। उसने अपनी कंप्लेंट दिया कि मेरी दुकान में 12 तारीख को करीब 5:30 बजे दो महिला आई। उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई प्रोग्राम है और हमने ज्वेलरी खरीदनी है, तो उन्हें सक्षम ज्वेलर वाले ने अपनी उनको ज्वेलरी दुकानी स्टार्ट कर दी और अपने दूसरे कस्टमर भी बैठे थे, उन्हें बिजी हो गया थोड़ा वो, तो उन्होंने लेडीज़ ने उसका मौके का फ़ायदा उठा के और थोड़ी ज्वेलरी देखती रही और उसमें से कुछ सामान गायब भी कर दिया। तो जैसे उन्होंने फाइनल कर लिया, अब ये हमारे को ज्वेलरी पसंद है और हम दो चार दिन में अपना इनको ले लेंगे, आप इनको अलग से रख दो। उन्होंने उसको 500 रुपये भी एडवांस में दिए और वो वहाँ से चली गई। जैसे उसने फिर अपना सामान सामून चेक करना स्टार्ट किया, उसने देखा क्लोज करके रख दिया, तो उनको कुछ डाउट हुआ। दो तीन दिन के बाद कुछ डाउट हुआ कि आपकी उस वो लेडीज भी नहीं आई और ज्वेलरी भी कम है, तो उन्होंने सीसीटीवी अपने जो दुकानों में लगे थे उसकी मदद से उन्हें अपना सामान चेक किया, उसमें से 5-6 आइटम कम थी। तो उसके बाद उन्होंने थाने में कंप्लेंट दी, उस पर एफआईआर लॉन्च कर दिया और मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया वहाँ की और लेडीज की क्लास है। अमाउंट हमारे को जो आया है अमाउंट वो सामने 95,000 के आसपास। क्या क्या लेडीज है सर? उसमें उन्होंने लिखा है एक जोड़ी झुमके हैं, एक कांटे, एक जोड़ी कांटे हैं, बाली है एक जोड़ी, टोपस हैं एक जोड़ी और दो सोने की रिंग। हाँ, हो सकता है ये महिला कोई भी हो सकती है, तो ये तो अनुसंधान जारी है। जो भी इसमें सामने आएगा, जो भी पता लगेगा, उसकी फुटेज भी आसपास भी चेक करेगा किस प्रकार की महिला, और हमने दूसरी भी साइबर से भी इसकी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।